चलो हमारा क्या ये ना देखो नहीं गिरेगा भैया यही रुकना है। दो मिनट अपना फोन है ना इतने सालों बाद ऑटो में बैठी हूँ मैं ना वहीं तो कल ही हसी ऑटो गई ना मैंने दोबारा नाटक ही ना रिफाइनरी यार उसी पता है वो घाट जी ना उतरे ना उसमें मारी ऐसी सांस फूली फिर ऑटो ऐसे करने लगे हम बड़ा मजा आ रहा है ऑटो में बैठे हाँ टिच 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 वाली फीलिंग आ रही है इधर कोई नहीं बैठा जब जाके असली मजा आता तू बैठ जा तू बैठ जा नहीं मैं ठीक हूँ बाल खराब हो जाएंगे मेरे भाई और रामा एक कुत्ता नहीं बोल लगा लूं वहां हाँ हाँ वेरी गुड आप अपन चल बैठेंगे तो गाइस देखना इसको मम्मी को काम पर लगा कर और ये देखो ये यहाँ बैठी है जहाँ तेरा काम है वहाँ पे तो गाइस हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बस का और आने वाली है बस 15 मिनट का जब तक हम पागलों की तरह इन सब की शक्ल देखेंगे। फाइनली गाइस बस आ गई मम्मी तुम ये पकड़ो सही से पकड़ना उसको निकल नहीं जाए कोई अदा पता ही नहीं है खुशी का तो मम्मी और खुशी तो पीछे रह गई यार फंस गई। मेरी तरह टाइम को कौन कौन यूटिलाइज करता है वो आप कमेंट में जरूर बताना और ये देखो मेहंदी लगाते लगाते कब सूख गई पता भी नहीं चला फिर हम ग्वालियर की सड़कों को देखते देखते फाइनली पहुंचे अपने घर ये घूमे आई यार नहीं मेरी जेठानी का तो जामू चाह रात में ही टकराऊं भले जेठानी तो ये मेरी बड़ी बुआ और ये वाली मेरी छोटी बुआ और जो उनके बगल में बैठी है वो मेरी ताई जी है मम्मी जिनके पैर छू रही है वो मेरी दीदी है और जिनके बगल में से मैं अभी निकली थी वो है मेरी ताई जी जिनके लड़के की शादी है अरे पानी दीदी पानी पी ले जरा पानी गला सूख रहा है पंखा चला दीदी इधर है शायद नहीं तो चलो मम्मी जल्दी करो मुँह धोया हाँ धोया खुशी जल्दी पता है हाँ जल्दी कर ठीक बहुत ज्यादा सब लोग जा रहे हैं तू लॉन्ग में ही बना लेते हैं सब चीजें और क्यों बैठ गया पता नहीं पानी मतलब मैच नहीं किया हाँ इधर ही ये बैग से टिका के कैमरा रख ले और कर लो ठीक है सभी तो गाइस अभी रूम में मैं मम्मी और खुशी हम तीनों ही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही लेट हैं और सब लोग अब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं ताऊ जी आ गए ना तो सब में डांट पड़ेगी एक एक कर और बारात भी निकल गई चलो ठीक है अभी निकल के और डायरेक्ट जाएंगे भैया भाभी के पास तो गाइस मैं आधी तैयार हो गई खुशी का तो पता ही नहीं है मम्मी भी तैयार हो गई A few minutes later तो गाइस सब लोग रेडी हो गए हैं बस मुझे चुन्नी लगाना है और खुशी की चुन्नी लग गई है खुशी और मम्मी का फुल गेटअप मैं अभी दो मिनट में दिखाती हूँ फाइनली हम लोग रेडी हो गए हैं और गेटअप मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ही लेट हो गए हैं तो बाहर चाचू वेट कर रहे हैं तूने माइक गिरा दिया तो गाइस फुल लुक मैं आपको कहां से बताऊंगी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा जा क्या जा उठा ले पर्स ले चले चलो और वो भी तो करना है मम्मी वो ले लो शॉल मेरे को दे दो कुछ मेरे को भी मैं भी पकड़ इसको पकड़ मैं भी शॉल और वो स्वेटर लेके आ रही हूँ दीदी चल तू उधर से जा यहाँ पर मुझसे ज्यादा जगह मेरे लहंगे ने घेर रखी थी
तेरी किधर है? नहीं खोली। खोल भाई। पर्स लहंगे के साथ उस पर बैठना डिफिकल्ट था बहुत। मैं तो अच्छे से पसर के बैठी थी। अरे पता नहीं कैसे यार, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गई। ऐसे हर तरफ से ऐसे सिकुड़ी बैठी थी। ये रे। तो फाइनली गाइस अब हम बारात में जा रहे हैं। भले ही थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है, पर फाइनली अब हम बारात को ज्वाइन कर पाएंगे। लास्ट मोमेंट पे। सही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर गार्डन में हम सभी रिश्तेदारों से भरत मिलाव करने आए थे। गाइस वो रही हमारी बारात, चलो। फाइनली हम डांस करते करते पहुंच गए होटल। ये देखो इसका सभी। भैया पानी नहीं है। बारात तो भी निकल ही रही है, लेकिन हम थक गए तो अब हम आ गए और बैठेंगे। अब मम्मी को देखने जा रहा। मम्मी तो पहले से ही आके बैठ गई। आज फाइनली एक फोटो तो खींचा, वरना बारात में ऐसे फोटो खींचे होंगे। सीरियसली मैं सोच ही रही हूँ। चलो ठीक है, फाइनली अच्छा फोटो आ गया। नमस्ते ताऊजी। और बेटा बस बढ़िया। कैसे हो ताऊजी? बढ़िया एकदम। भैया चाय कॉफी है? ठंडी है। अरे रुक कोई तुझे, टोके कोई मुझे, तू क्या मुझे जहाँ से निकाल। चलो मरने नहीं आए। मैं समझ रही थी रसमलाई वो निकला था ही। हाँ जलेबी। चलो टिक्की आई थिंक सो बेटर लगेंगे। मुझे भी लग रहा है। तो गाइस हमने सोचा कि फोटो शूट ले लेते, इतने सुंदर लग रहे हैं तो हमने फोटो शूट लिया। पर पहले बार का उतना अच्छा नहीं आया जितनी सेकंड बार में बहुत अच्छा आया था। और इसको हम स्लो मो करके किसी वीडियो में भी डाल देंगे। चलो आप लोग भी देख लो। बहुत ज़्यादा ही वेट करवा रही है। हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दुल्हन आई नहीं रही है। दूल्हे राजा भी वेट कर करके थक गए।
कब आएगी दुल्हन? देखो पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है? मेरा नाम खुशी है, ज्योति है, ठीक है? हम आपकी प्यारी सी स्वीट सी ननद है और आप हमारी भाभी हैं, इसी बात पे ज्योति। हां, कांग्रेचुलेशंस। अरे आगे ले आके हमको नहीं, भाभी बोली है फालतू ही गाली पड़ देंगे। ननद है गलत पड़ेंगे, ननद है गलत पड़ेंगे। फाइनली गाइस, अब हमको टाइम हो गया, हम तो फोटोज वगैरह क्लिक करने आए थोड़ा और बीच। हाँ ये ठीक है, पैर क्रॉस करके। हाँ तो गाइस, यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं, तब हम ये शूट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। तो मुझे इस गार्डन की सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? कितने प्यार से और कितने अच्छे से डेकोरेट किया है, मतलब इस झूले पर सलाद रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बिठा देना चाहिए क्योंकि मुझे झूला ज़्यादा पसंद है, इस पर मेरे को बिठा देना चाहिए, फिर मैं खुशी मेरे को ऐसे चढ़ाती झूला झूलाई ले। इसका भी निकल आया, पहन तुम पहन। अरे मैं नहीं पहन रही, मुझे गर्मी लग रही है। लास्ट बार पूछ रही हूँ। हाँ पक्का? सीरियसली? ये ना मैं सैंडल भी उतार रही हूँ यार, बहुत तेज एड़ियाँ दुखने लगी। सैंडल के बदले जूते निकल आए अपन। ये देखो इनके तो स्वेटर भी पहन गए। फाइनली गाइस, अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी दूल्हा दुल्हन के फेरे भी होने हैं ना। ये लड़का हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो अभी ये गया। लगो खुशी, ताऊ देख रहे हैं। कौन से ताऊ? ये देख लिया। तो ये रहा शादी वाला मंडप जिसमें शादी होगी। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताना। और ये रहे पंडित जी जो कि वर वधु का वेट कर रहे हैं। जब तक वर वधु नहीं आते हैं तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अरे अरे ये वाला कमरा नहीं है, सॉरी सॉरी, अंदर वाला कमरा है। तो शादी को एंजॉय करने के चक्कर में हमारी ऐसी तैसी हो गई, दाल छोले की सब्जी और चावल खाने पड़ गए। दूसरी बार खाना है और वो भी बिना चम्मच के हाथ से। तो भाई रात में 3 बजे आइसक्रीम खा रहे हैं, सर्दी नहीं लगे तो लग जाए, और ऊपर से पानी भी पिया है, पानी के ऊपर आइसक्रीम खा रहे हैं। ऐसी तैसी होने वाली है हमारी। Obviously. तो गाइज मैं चेक कर रही हूँ कि मम्मी की मेहंदी ज्यादा अच्छी लगी या फिर मेरी। ऑफ कोर्स गाइज मेरी। तो गाइज अब फोन बिल्कुल डिस्चार्ज होने वाला है, तो हम उसको अभी चार्ज पर लगा रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो हमने जो अपनी बेटी दृष्टि के लिए एक संकल्प लिया हुआ था, उसके जन्म के साथ इस बिटिया का विवाह, कोई अच्छा कुल अच्छा घर। तो फिर हमने रात में फिर से खाना खाया, मतलब मम्मी को कंपनी देने के चक्कर में आज हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि इतना ज़्यादा खाना हम खा सकते हैं। बस फिर क्या, हम खाना ठूसने के बाद मम्मी ने बोला अब शांति से फेरों में बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। जो